गाइस आप लोगों का इंतजार खत्म होता है, मैं लेके आ गई हूँ 11 पेयर ऑफ जीन्स एंड कार्गो। बहुत पसंद आने वाली है आपको ये वीडियो, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। चैनल आप सबका, मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आप सबकी चौहिती घीमा आशी, लेके आ गई हूँ एक और फ्लिपकार्ट हॉल अपनी फ्लिपकार्ट सीरीज में से। आज मैं करने वाली हूँ रिव्यू कार्गो जीन्स, लूज फिट जीन्स, स्किन फिट जीन्स, बहुत कुछ होने वाला है बॉटम वेयर में गाइस। और इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आपने जीन्स हॉल लाओ, कार्गो हॉल लाओ, जीन्स कार्गो बॉटम वेयर, मैं का रुक जाओ पहले कुछ एथनिक तो चल ही रहा था, कुछ विंटर लाती हूँ फिर लाऊंगी जीन्स एंड कार्गो एंड फिर लेके आऊँगी मैं स्वेट शर्ट। और अभी बात की जाए जो मैं पहन के बैठी हूँ, ये मेरा स्ट्रक कम स्वेटर, आपने अगर मेरा लास्ट हॉल देखा है स्वेटर वाला तो उसमें मैंने ये दिखाया था और मुझे बहुत पसंद तब भी आया था, मैंने थम्स अप दिया था, तो मैं इसको वेयर करूँ। अंदर स्पेगेटी हेयर बैंड की, और ये मेरी लेवाइस की जीन्स, पर्सनल फेवरेट, बहुत टाइम से मैं इसको पहनती आ रही हूँ, चुम्बेश्वरी ये जीन्स हैं। तो ये है मेरा आज के आउटफिट डिटेल, और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जीन्स का हॉल करने के लिए, क्योंकि गाइज मैंने अभी तक अपने चैनल पे एक ही बार जीन्स का हॉल किया है, वो भी मैंने मीशो से किया था। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि बाबा साइज़ का कुछ समझ ही नहीं आता है। तो आज जितनी भी जीन्स होने वाली है उसका साइज़ मैंने सबका 28 मंगवाया है। जो मुझे टाइट आएगा मैं बताऊंगी, जो मुझे लूज़ आएगा मैं बताऊंगी। मैंने सारी की सारी जीन्स 28 साइज़ में ऑर्डर की है, एंड काफ़ी अलग अलग वैरायटी है, कार्गो लूज फिट मैंने बता ही चुकी हूँ सब कुछ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसी रहती हैं जीन्स है, और मैं आपको पूरी रेंज भी बता देती हूँ, मिनिमम से मैक्सिमम क्या रेंज रहने वाली है हमारी आज के हॉल की। सो आज की जो रेंज रहने वाली है, मिनिमम हमारी 400 रुपये की जीन्स है, 400, और जो मिनिमम मैक्सिमम जाने वाली है वो है 1350 रुपये। तो जितनी भी हमारी जीन्स होंगी वो 400 रुपये से लेकर 1350 रुपये के अंडर ही होंगी, और उसमें बीच बीच में आपको 500, 800, 600, 900, 1000, 1100 हर रेंज की जीन्स मिलेगी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं क्या फैब्रिक, क्या मटेरियल, क्या लुक, क्या स्टाइल रहता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो रैंडमली पहली जीन्स जो मेरे हाथ में आई है ना, वो कॉटी की है, और जो भी कॉटी वाली जीन्स है ना, आई गेस पूरे हॉल में 3 जीन्स हैं, वो इस ब्लैक कलर के पैकेट में आई हैं, और ये है विमेन रेगुलर हाई राइज ग्रे जीन्स, आप पिक्चर में देख सकते हो। ये ना मॉम्स फिट वाली जीन्स है और ग्रे कलर की है, और इसमें ना ऊपर और नीचे प्लेट बनी हुई है जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। और पता है कितने रुपये की, 490 रुपये की ये जीन्स है। इसमें 24 साइज़ से शुरू हो जाता है और लास्ट जाता है 34 साइज, मैंने मंगवाया है 28 साइज, अब देखते हैं कैसा रहता है। और इसको 12,500 लोगों ने रेटिंग दी है गुड, तो मुझे तो चुल मच गई थी यार, 500 रुपये की जीन्स मिल रही है, देखते हैं कैसी हैं। सरोजनी भी कई बार जब बार्गेन भी कर लूँ ना तो वो 300-400 की जीन्स देते हैं, उसके कंपेरिजन में मुझे ये जीन्स देखनी थी कि आएगी कैसे। सो पहली बात तो बता दूँ, बहुत मोटा वाला डेनिम नहीं है, फाइन डेनिम है जितना मोस्टली जीन्स का होता है, पतला ही डेनिम है, और देखो स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल उतना नहीं है, बहुत ज़रा सा स्ट्रेचेबल है। अब मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ गाइस, ये मॉम्स फिट जीन्स है, जो भी इसका पूरा लुक है आप देख सकते हो, ठीक है। बैक से मैं दिखाऊं, ये कुछ ऐसी जीन्स है। अब पास से दिखाऊं, ये वाली डिटेलिंग मैं इस प्लेट की बात करी थी, जो एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे, और सेम ऐसे ही आपको नीचे भी वो प्लेट देखने को मिल जाएगी, बैक में भी है, सी बैक में भी ये सेम प्लेट है, और ये फ्रंट में भी सेम प्लेट है। फैब्रिक मुझे ठीक लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको वियर करने के लिए, और काफ़ी लोगों को लगे कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, तो उन लोग के लिए ये दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है। कि गाइस मैंने जो साइज़ मंगवाया वो आप यहाँ देख सकते हो, मैंने 28 साइज़ मंगवाया है, यहाँ आप देख सकते हो 28 साइज़, और शायद इस पर भी होगा तो इस पर भी देख सकते हो, नहीं इस पर नहीं है, यहीं पर बस साइज़ लिखा है 28। देख मुझे बिल्कुल लगता है परफेक्ट आएगा, शायद ये हैक सबको पता ही होगा कि जब आप अपने नेक के अराउंड ऐसे लगाओ तो अगर ठीक आ रही है तो आपको वेस्ट से भी ठीक आएगी, मुझे लगता है मुझे ठीक आएगी, क्विकली वियर करके आती हूँ। गाइज अकॉर्डिंग टू द प्राइस, ये हमारी पहली जीन्स आप देख सकते हो कैसी लग रही है। जो एक चीज़ मुझे इंस्टेंट पहन के फील हुई कि यहाँ से पॉकेट से जैसे ये कपड़ा ये धागे से निकल रहा है, ये इन्होंने ज़रा भी बड़ा नहीं दिया है कि ये ना थोड़ा ऐसे अंदर चले जाए, ये अंदर जा रहा है लेकिन स्टिल ऐसे धागे से ना ये निकल ही आ रहा है जब मैं चल रही हूँ, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा इसमें। देखो ये ऐसे हो जा रही है,
बाकी 28 नंबर मुझे बिल्कुल ठीक फिट आया, आप बैक से भी देख सकते हो कि ये इतना ढीला है पीछे से, लेकिन मैं ये फिट प्रेफर करती हूँ क्योंकि बैठूंगी तो मेरा तोंदू निकलेगा, तो मुझे कंफर्ट होना चाहिए। और अगर मैं छोटे साइज़ पे जाऊँगी तो वो मुझे थाई से बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो इसकी थाई से क्या फिटिंग आ रही है, पूरा आप इसका लुक देख सकते हो, इसकी लेंथ देख सकते हो कहाँ तक की इसकी लेंथ है, कैसा इसका लुक आ रहा है। बैक से भी आप देख सकते हो कि बैक से कैसी है, इसके पॉकेट एंड ऑल बहुत छोटी सी पॉकेट है। यार अगर मैं प्राइस से रिलेट करूँ ना तो फैब्रिक बहुत सही है, जिप यूज़ करने में थोड़ी खड़खड़ थी, ठीक है, बहुत स्मूथ जिप नहीं है, खड़खड़ है लेकिन ख़राब नहीं है, बस ये इशू मुझे इसका लगा, वरना परफेक्ट मॉम फिट वाली जीन्स है मुझे लग रही है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस, इसका कलर और फैब्रिक को लेके मैं तो डेफिनेटली यार थम्स अप दूंगी। मुझे नहीं पता आगे आने वाली जीन्स क्या होने वाली, लेकिन ये तो पैसों के हिसाब से काफ़ी सही लग रही है। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट हमारा है वुमेन कार्गो, 500 रुपये का है ये गाइस, 500 रुपये का, और 300 लोगों ने इसको रेटिंग दी है गुड। ऐसा मेरे पास सेम H&M का है जो मुझे शायद 2500 अराउंड पड़ा था, ये उसका बिल्कुल सेम कह सकते हो। इसमें क्या होता है, वाइट कलर के धागे की सिलाई होती है जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, और ये मैंने 28 साइज़ का मंगाया, आप देख सकते हो यहाँ पर साइज़ लिखा हुआ है। देखते हैं कैसी रहती है इसकी क्वालिटी, बिल्कुल जेट ब्लैक कलर का ये है, और इसका डेनिम ना थोड़ा हार्ड है, जो मैंने पहला कॉटी वाला देखा था ना उसका सॉफ्टेस्ट का थोड़ा हार्ड डेनिम है। और आप देख सकते हो कि ये पूरी वो कार्गो है ब्लैक कलर की, ऐसा लग रहा है मैं ड्यूप देख रही हूँगी ही उसका, जो मेरे पास H&M का वो एग्जैक्टली ऐसा ही है। नीचे से आप इसकी लेंथ देख सकते हो कितनी चौड़ाई है, बैक से आप देख सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों ये इलास्टिक है, और सी गाइज इसमें बैक में थोड़े इलास्टिक भी दी हुई है तो और अच्छे से प्रॉपर फिट आ जाएगा, थोड़ा ढीला और टाइट। फ्रंट आप देख सकते हो दो पॉकेट इधर है, दो पॉकेट नीचे हैं और दो पॉकेट पीछे हैं, और बहुत जेट ब्लैक जैसा प्रॉपर इसका कलर है। अंदर इतनी ज़्यादा कोई भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं हुई हुई है, फैब्रिक ओकेश लग रहा है क्योंकि थोड़ा हार्ड है ये, अभी खड़ी खड़ी डेनिम लग रही है, पहन के देखती हूँ कैसा फिट आ रहा है, कहीं से चुभ तो नहीं रही है, क्या इसका लुक है। कई बार बहुत वियर्ड भी आता है, मीशो वाले के टाइम पर तो हंस हंस के मेरी जनता पागल हो गई थी, इतनी गंदी फिट आ रहा था। देखते हैं इसका कैसा फिट आ रहा है, तो चलो वियर करके दिखाती हूँ। मैं बोलना चाहूँगी सबसे पहले अ बिग नो फॉर दिस जीन्स, अब मैं रीजंस बताती हूँ। पहले तो देखो ये लग कैसी रही है, बहुत कपड़ा इसका चुभ रहा है, बहुत अजीब सा इसका फैब्रिक है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, मतलब मुझे यहाँ से सब जगह से स्टिचिंग से चुभ रही है यार ये। और जब मैंने इसको पहना तो मुझे लिटरली लग रहा है मैं किसी हार्ड से मटेरियल में पैर डाल लूँगी, मुझे मज़ा ही नहीं आया वो पहन के। आई नो बहुत सस्ती है, लेकिन और भी तो सस्ती जीन्स इस हॉल में होंगी ना, आई गेस वो अच्छी होगी। आप पीछे से इलास्टिक देख सकते हो, फिट देख सकते हो, भाई मेरी हाइट 5'3" और मैं चप्पल में इसलिए दिखा रही हूँ कि बिल्कुल ना, ये देखो आपको पता चल जाएगी इसकी लेंथ कितनी होगी, आप देख सकते हो इसकी लेंथ कितनी आ रही है मुझे 5'3" के अकॉर्डिंग, और थोड़ी लंबी लड़की होगी तो उसको कितनी ऊंची आएगी। पता नहीं क्यों लोगों ने इसको इतनी अच्छी रेटिंग दे दी थी, मे बी शायद उनको ये लुक मिल रहा होगा इतने सस्ते में इसलिए दे दी होगी, मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप देखो ऊपर से मुझे कितनी लूज़ है ये, ठीक है, एक तो मेरा बॉडी शेप ऐसा, ऊपर से यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइट है, बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है, बहुत बेकार है। मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो हमारी जीन्स है वो है वुमेन स्लिम हाई राइज डार्क ब्लू कलर जीन्स, इसको 18,900 लोगों ने रेटिंग दिया है गुड, और ये 450 रुपये की जीन्स है गाइस, इस हॉल की सबसे सस्ती जीन्स। इसमें जो साइजेस आना शुरू होते हैं वो 26 से स्टार्ट हो जाते हैं, एंड आई गेस 34, 36, 38 बहुत सारे साइजेस हैं इसमें। 3-4 कलर के ऑप्शन है, वो स्काई ब्लू, ब्लैक और ग्रे टोन में 4 कलर। मैंने नेवी ब्लू मंगवाया है, अब देखते हैं कैसा आया है। पर्सनली मैं ये वाला ब्लू पसंद नहीं करती हूँ, जो मैंने अभी ये वियर किया हुआ है ना, फेडेड काइंड ऑफ ब्लू मैं ये पसंद करती हूँ। इस कलर की मेरे पास कोई जीन्स है भी नहीं, मैं ऐसा कलर नहीं पहनती हूँ। ये जीन्स है, आप देख सकते हो फ्रंट एंड ये इसका बैक है, और ना पिक्चर में थोड़ा शेड दिखा रहा था, लेकिन ये बिल्कुल एक सिंगल ब्लू टोन जीन है, और आप देख सकते हो कि ये पूरी स्लिम फिट है, और साइज़ इसका 28 है, और फैब्रिक ठीक है, स्मूथ है। अब स्ट्रेचेबल की बात की जाए तो स्किनी जीन्स है, स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, ये अच्छी खासी स्ट्रेचेबल जीन्स है। जो इससे पहले मैंने ब्लैक वाली दिखाई थी ना, उसका थोड़ा मटेरियल हार्ड था, इसका मटेरियल बहुत अच्छा खासा सॉफ्ट है। मैं पहन के देखती हूँ क्या इसका लुक एंड फिट आ रहा है, 450 रुपये के हिसाब से कोई बुरी नहीं लग रही है मुझे, फटाफट से भी अगर क्या आती हूँ।
गाइस स्किनी फिट जीन्स की बात करूँ तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे मेरी बॉडी के ऊपर लिवाइस की जीन्स सबसे सही लगती है, ज़्यादा एचने में उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर मैं फिटिंग की बात करूँ इस जीन्स की, तो मुझे इसकी फिटिंग बिल्कुल ठीक लग रही है। बस जो फैब्रिक है ना, वो मुझे उतना स्मूथ नहीं लग रहा है जितना मुझे ऑब्वियसली लिवाइस का लगता है, लेकिन थोड़ा खसर खसर फैब्रिक है, लेकिन ठीक लग रहा है यार। आप पूरा इसका फिट देखो, कितनी हाई वेस्टेड ये जीन्स है। आप देख सकते हो ये मुझे ऊपर से लूज़ है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल परफेक्टली मुझे फिट आ रही है, मुझे ठीक लग रही है। इसकी लेंथ भी अच्छी खासी लंबी है, ठीक है। और बस ये मुझे पर्सनली ये कलर मुझे इतना पसंद नहीं है। आप चाहो तो इसमें कोई और कलर भी ले सकते हो, वरना ये कलर जिनको पसंद है वो ले सकते हैं। मुझे ना थोड़ी फेडेड वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, फेडेड वाली नहीं है, बस यही है। बाकी ओवरऑल अकॉर्डिंग टू द प्राइस मैं बात करूँ इस जीन्स की, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जिस रीज़न से मैं इसको देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइज, ये जो हमारा नेक्स्ट कार्गो है ना, बेज कलर का। इसमें दो कलर के ऑप्शन और थे, ब्राउन एंड ब्लैक। मेरे पास ब्राउन एंड ब्लैक दोनों हैं, तो मैंने बेज कलर मंगवाया। ये 1200 रुपये का है एंड 76 लोगों ने इसको रेटिंग दिया है गुड, तो मुझे लगा कि अच्छा होगा, मंगा के देखते हैं। अब जैसे मैं इसको पकड़ रही हूँ हाथ में, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने H&M का कोई ट्राउज़र या जीन हाथ में पकड़ा हुआ है। बिल्कुल सेम वही फैब्रिक लग रहा है, बस टैग लगा दो, H&M पर टांग दो, वही लगेगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 28 का टैग लगा हुआ है कि मैंने 28 साइज़ मंगाया है। और इसका पूरा लुक ये है, अर्बन फैशन का ये ट्राउज़र है। आपको यहाँ पे पीछे इनकी ब्रांडिंग भी दिख जाएगी और ठीक लग रहा है ऐसे देखते हुए तो। मुझे पूरा लूज फिट वाला, दो ऊपर पॉकेट है, यहाँ कार्गो स्टाइल वाली पॉकेट है और ये पीछे पॉकेट है, जो होती हैं बेसिक ढीला वाला लूज फिट कार्गो मटेरियल से, तो मुझे कोई शिकायत नहीं लग रही है। जैसा दिखाया वैसा ही आया है और स्ट्रेचेबल नहीं होगा, ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है। पास से देखो, प्रॉपर डेनिम मटेरियल है। वियर करके आती हूँ तभी कुछ बता पाऊँगी, ऐसे तो मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, पता नहीं कैसे इसका लुक फिट लगे और कैसा ये आए। वियर करती हूँ। 1200 रुपये का ये है कार्गो और इसका कलर तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप इसका एक बार पूरा लुक एंड फिट देख सकते हो, क्या इसका कलर है, क्या इसका फिट आएगा पहन के। ठीक लग रहा है, मुझे इतना बुरा तो नहीं लग रहा है। इसकी पॉकेट भी अच्छी खासी बड़ी है, आप देख सकते हो मेरा पूरा हाथ अंदर आ गया, इतनी बड़ी इसकी पॉकेट है, ठीक है। एंड फैब्रिक भी इसका ठीक लग रहा है मुझे। लेंथ आप देख सकते हो कितनी इसकी लेंथ है, पूरा नीचे ये कहाँ तक आ रहा है। एंड बैक से भी मैं आपको दिखाऊं तो पूरा बैक से आप देख सकते हो कितना हाई वेस्टेड है बैक से, क्या इसका लुक है, क्या इसका फिट है। ये ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइट है, ना मुझे लूज़ है, मतलब जितना इसका फिट होना चाहिए ना, जो सुंदर लगे पहन के, ये उतना ही लग रहा है। कुछ होता है कि थाई से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, लेकिन उतना नहीं, मिनिमम टाइट है जितना है, लेकिन इतना तो अच्छा लग भी रहा है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं आ रहा है मुझे। वेस्ट से भी बिल्कुल आप देख सकते हो, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो आप वेस्ट से भी देख सकते हो कि यहाँ से अच्छा खासा इसमें ढीला डाला है, तो मुझे ठीक लग रहा है। बैठूंगी भी तो पेट वेट फूलेगा, तो ठीक रहेगा। और 1200 रुपये के हिसाब से कलर अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इसको थम्स अप देती हूँ। नेक्स्ट दिखाती हूँ, विश्वास नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारी जीन्स है, हाई राइज ब्लैक कलर की जीन्स, वही लूज फिट वाली, 450 रुपये की है। एंड अगेन कॉटी ब्रांड की। इसमें चार कलर थे लेकिन दो अनअवेलेबल थे, तो मैंने ब्लैक मंगाया, वैसे तो ब्लू भी था, मैंने कहा ब्लैक मंगा के देखती हूँ। 20109 लोगों ने इसको गुड रेटिंग दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। मैं खोल के खुद शॉक्ड थी कि आप देखो क्या प्रॉपर वाइड लेग ट्राउज़र ये मुझे लग रहा है। जीन्स आप बैक से भी देख सकते हो कैसा ये है और बहुत ज़्यादा हाई वेस्टेड लग रहा है मुझे। देखो ना कितना ज़्यादा इसका आसन वाला एरिया है कि कितना ज़्यादा हाई वेस्टेड है। मटेरियल इसका ठीक है, स्ट्रेचेबल, बहुत ज़रा सा स्ट्रेचेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल मटेरियल नहीं है। और पास से देखो बिल्कुल जेट ब्लैक कलर के डेनिम है, मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है यार। अब आई डोंट नो दो धो के इसका कलर जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन 450 रुपये में आपको पूरा लूज फिट वाला जीन्स मिल रहा है। अब पता नहीं, मैं थोड़ी डाइसी हूँ इसके फिट को लेकर, पहले पहनती हूँ फिर ही इसकी कुछ तारीफें करूँगी। वियर करके आती हूँ। गाइस ये ब्लैक कलर की जीन्स भी मुझे परफेक्टली, मतलब तो जब मैंने इसको पहना तो मुझे वेस्ट से बहुत परफेक्टली फिट है। आप देख सकते हो अच्छी खासी लूज है, मतलब ये परफेक्ट फिट है मेरे लिए। इसकी लेंथ भी आप देख सकते हो कहाँ तक की इसकी लेंथ है, ठीक है। पूरी लेंथ देखो, बैक से इसका पूरा फिट देखो। फैब्रिक भी ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, मीडियम है। और मुझे कलर बिल्कुल जेट ब्लैक बहुत अच्छा लगा है। एक वो आजकल एक जीन्स चल रही है ना कि मतलब वाइड में ब्लू हो, एक ब्लैक हो, तो ये वो प्रॉपर ब्लैक वाइट जीन्स है जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। आप देख सकते हो इसकी वाइड लेंथ कितनी है, पॉकेट की लेंथ भी आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का मेरा हाथ आ रहा है। पूरा इसका लुक एंड स्टाइल देख सकते हो कि है कैसा।
मुझे ठीक लग रही है गाइस, बहुत ज़्यादा मैं इसमें कुछ ऐसा बुराई और कमी मुझे पहन के नहीं फील हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे वेस्ट एरिया से कंफर्टेबल होती है ना जीन्स, तो मुझे बहुत सही आती है। और ये मुझे थाई से भी परफेक्टली टाइट है जितनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। जिन सब रीज़न से मुझे ठीक लग रही है इसलिए मैं इसको थम्स अप देती हूँ। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी जीन्स है वो है जर्मन क्लब की। ये 750 रुपये की जीन्स है और 55 लोगों ने इसको एवरेज रेटिंग दिया है। इसमें भी साइज 26 से शुरू होकर 36 साइज है। अब ये 750 रुपये की जीन्स मैं हाथ में पकड़ रही हूँ ना, तो मैं थोड़ी डाइसी हो रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जितनी भी मैंने कॉटी की जीन्स देखी है ना, वो बिल्कुल सेम ही लग रही है। अब ये 750 की है, वो 450 रुपये की जीन्स है। आप देख सकते हो, इससे पहले मैंने ब्लैक कलर की ऐसे ही लूज स्ट्रेट वाली जीन्स दिखाई थी, बल्कि ब्लैक वाली इससे ज़्यादा चौड़ी थी और इससे ज़्यादा लंबी मुझे लग रही थी। ये वाइट कलर की जीन्स 750 रुपये की है। मैं थोड़ी डाइसी हो रही हूँ इसको लेकर कि यार वो ब्लैक वाली तो इतनी अच्छी थी, तो ये इतनी मतलब महंगी क्यों। लेकिन अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ ना, तो गाइस फैब्रिक में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। ये थोड़ा स्ट्रेचेबल भी है एंड एज़ कम्पेयर टू ब्लैक वाला जो मैंने इससे पहले दिखाया था कॉटी का, उससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। कई बार तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने ना जीन्स का मटेरियल हाथ में पकड़ रखा है, कपड़ा टाइप का लग रहा है, सॉफ्ट कॉटन टाइप का, डेनिम कम लग रहा है ये। और समझ नहीं आ रहा ये सी थ्रू होगी या नहीं होगी। नहीं, सी थ्रू तो ये बिल्कुल भी नहीं है। पहन के देखते हो, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा चौड़ी वाली नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा फ्लेयर्ड भी नहीं है। ये समाओ रेगुलर टाइप की ना लगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत ढीली ढीली वाली जीन से पहनती हूँ। वे अगर के आती हूँ तभी कुछ बता पाऊँगी। एंड साइज़ अगेन 28 है। ये तो मैं आपको हर वीडियो में दिखाती रहूँगी। बहुत ही बेकार जीन्स है गाइस, एक बार देखो। कैप्री ऑर्डर की थी क्या? थोड़ी सी और छोटी होती तो मुझे कैप्री आती। इस जीन्स का बस फैब्रिक अच्छा है जिसकी मैंने तारीफ़ें की थी, वरना आप ही मुझे देख सकते हो कैसी ये जीन्स आ रही है, ढीली ढाली सी। बहुत ही वियर्ड इसका फिट है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या ही बताऊँ, अब सिर्फ फैब्रिक अच्छा और तो कुछ तारीफ़ मैं इसकी कर ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। छोटी छोटी सी पॉकेट है, पॉकेट भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, और बेकार जीन्स है। बिग नो। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट है हमारी विमेन बॉयफ्रेंड हाई राइज लाइट ब्लू जीन्स। 700 रुपये की जीन्स है, 716 रुपये की, एंड 1200 लोगों ने इसको रेटिंग दिया है गुड। तो 716 रुपये के हिसाब से जीन्स मुझे ठीक लग रही है। मतलब कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब मुझे ये ब्लू कलर, ये टेक्सचर ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू प्लेन ब्लू कलर। ये आप देख सकते हो कितनी वाइड ये जीन्स है और कितनी हाई राइज, मतलब बहुत ज़्यादा हाई वेस्टेड ये जीन्स है। एंड अगेन मैं आपको इसके टैग पे साइज़ भी दिखा देती हूँ कि अगेन ये 28 नंबर की जीन्स है। अब देखते हैं इसका लुक एंड फिट कैसा आएगा। है तो ये बिल्कुल बेसिक ढीली वाली स्ट्रेट जीन्स, और इसका मटेरियल जो है वो स्ट्रेचेबल है गाइस, और बहुत सॉफ्ट डेनिम मटेरियल है, स्ट्रेचेबल है। 700 के हिसाब से कलर भी अच्छा लग रहा है, स्ट्रेचेबल भी लग रही है। बस अब पहन के लुक एंड फिट देखते हो, अगर अच्छा हुआ ना तो गाइस बहुत अच्छी ये जीन्स होने वाली है। आजकल इस टाइप की जीन्स चल भी कितना रही हैं, ये वैसे सी ही लग रही है। वी अगर क्या आते हैं 716 रुपये के हिसाब से, जो मैंने आपको बोला था इसका कलर मुझे अच्छा लग रहा है, फैब्रिक भी अच्छा लग रहा है, इसका लुक और फिट भी अच्छा आ रहा है पहन के। मतलब इसकी जिप भी बहुत स्मूदली बंद हुई है, बिल्कुल भी खड़खड़ नहीं थी। आप इसकी पॉकेट की लेंथ देख सकते हो कहाँ तक की इसकी पॉकेट की लेंथ है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फिट वाली जीन्स है, बहुत ज़्यादा ऐसे वाइड वाली नहीं है, मिनिमल सी है। आप पूरा लुक देख सकते हो मैंने इसको पहना है। मटेरियल स्ट्रेचेबल और 28 मुझे अच्छी खासी वेस्ट से लूज़ भी है, जो मतलब कंफर्टेबल है, मेरे को यही फिट पसंद आता है। बैक से भी आप पूरा देख सकते हो क्या इसका लुक है, क्या इसका फिट है, इसकी पॉकेट्स, इसका कलर, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। एक वो परफेक्ट पेयर वाली जीन्स होती है ना, कि जिसपे सब टॉप चले जाते हैं, ब्लैक हो, वाइट हो, शर्ट्स हो या कुछ भी हो, तो गाइस ये वो जीन्स है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। 700 रुपये के हिसाब से जो आपको फैब्रिक मिल रहा है, जो फिट मिल रहा है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इस जीन्स को कंसिडर कर सकते हो, विशलिस्ट कर सकते हो। बाकी लिंक्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। मुझे काफ़ी सही लग रही है गाइज ये। चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ, इसको देती हूँ मैं थम्स अप। गाइज नेक्स्ट जो हमारी जीन्स है वो भी कॉटी की है, और ये 450 रुपये की जीन्स है। इसमें भी 26 से लेकर 36 तक साइजेस हैं। अब इसको 6000 लोगों ने रेटिंग दी है गुड, लेकिन जब मैंने इसको खोला है, इसके अंदर से बहुत ही गंदी सी बदबू आ रही है, इसके फैब्रिक से बहुत ही अजीब लग रहा है। तो मुझे तो बूट कट वाली है, तो ऊपर से फिटेड होगी, देन नीचे से बूट कट वाला लुक होगा। तो इसमें दो कलर थे, ब्लैक एंड स्काई ब्लू, मैंने ब्लैक मंगाई। ये जीन्स है, ये तो बिल्कुल ही ऊपर से भी मुझे ढीली लग रही है। वो बूट कट वाला फील तो मुझे इतना आ ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्ट्रेट जीन्स है ये, जैसा पिक्चर में दिखा है वैसी लग ही नहीं रहा है।
ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा गंदी वाली स्मेल आ रही है इस फैब्रिक से। और देखने में क्या इसका डिफरेंट लुक था, आप यहाँ देखो, बस ये अलग से कुछ पॉकेट और ये बटन से लगे थे, ये इसका डिफरेंट लुक था। और आप बैक से देख सकते हो कि बिल्कुल सिंपल है, और नीचे से वो बूट कट वाले आपको बहुत हल्का सा दिख रहा होगा। मैंने ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा आएगा जो प्रॉपर बूट कट वाली जीन्स होती हैं, वैसा आई नहीं रहा। एंड अगेन बहुत गंदी बदबू आ रही है यार इसके अंदर से। अभी तक की कॉटन की जीन्स इतनी अच्छी चल रही थी, इस वाले में पता नहीं क्या हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। वियर करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है गाइस, समझ जाओ ये वाली जीन्स मैं वियर नहीं करूँगी, बहुत बदबू आ रही है एंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस, जो नेक्स्ट हमारी जीन्स है ना, शायद वो इस हॉल की सबसे महंगी जीन्स है, 1350 रुपये की। 4 लोगों ने इसको रेटिंग दिया था वेरी गुड। ये कार्गो है आप जो देख रहे हो पिक्चर में। अब मेरे हाथ में जो ये कलर आया है ये थोड़ा अलग लग रहा है, लाइट ग्रे लग रहा है, कुछ शेडेड भी नहीं लग रहा है, पिक्चर से डिफरेंट लग रहा है भाई। 1350 रुपये की जीन्स है ये कार्गो, नहीं है तो शेडेड सी, बहुत हल्का सा शेडेड है आपको दिखे तो। एक ग्रे कलर का कार्गो जीन्स है एंड 1350 रुपये की है। फैब्रिक स्ट्रेचेबल नहीं है, डेनिम का मटेरियल सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, जितना होना चाहिए उतना ही है। और ऐसे देखने में जो इसका फ्रंट लुक में ऐसा ला रहा है ना कि फिट बहुत अच्छा आएगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना। गेट में दिखा दूँ कि ये 28 नंबर है, ठीक है आप देख सकते हो। और बेसिक कार्गो है ग्रे कलर का, मुझे था ये थोड़ा, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना ये थोड़ा और ज़्यादा डार्क होगा, ग्रे का थोड़ा और डार्कर टोन होगा, लेकिन उतना नहीं है, लाइट है। कलर मुझे ठीक लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। वियर करके आती हूँ लुक एंड फिट तभी कुछ बताती हूँ। चलो गाइस, ये इस हॉल की सबसे महंगी जीन्स है, आप इसका पूरा एक बार लुक देखो। मुझे ना इसकी फिटिंग कुछ समझ नहीं आई। एंड अगेन मैं ज़िप की बात करूँ ना तो सेम ही ज़िप है, जैसे सभी की थोड़ी खड़खड़ वाली ज़िप थी वैसे ही, बहुत स्मूथ वाली ज़िप तो नहीं आई है इसकी। अब मैं बताऊँ, अगर आप देखो ना तो मुझे ना ये यहाँ से देखो सी, ये लूज़ है, ठीक है, पीछे से मुझे लूज़ है, साइड से मुझे लूज़ है, कि मतलब मुझे परफेक्ट साइज़ है। अगर मैं वेस्ट से बात करूँ तो, अगर मैं एक नंबर ऊपर जाऊँगी तो ये मुझे वेस्ट से बहुत ज़्यादा ढीली हो जाएगी। एंड आप उसी बात पर ये चीज़ देखो, मेरी थाई थाई से मुझे इतनी टाइट आ रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं बैठूंगी ना, ओ गॉड ये फटना जाए। और आपको लुक दिख ही रहा होगा, देखो कितनी ज़्यादा ये थाई से टाइट है। मे बी मेरी बॉडी शेप की वजह से ये ऐसी आ रही होगी, जिन लोग की इतनी थाइज नहीं है तो ऐसा ना है, लेकिन ना वो 1350 रुपये वाला मज़ा है जितने की भी है मुझे वो नहीं आ रहा है कॉस्ट के हिसाब से। फिटिंग में मज़ा नहीं है, आप बैक से पूरा देख सकते हो क्या इसका पूरा लुक एंड फिट है, कैसी ये है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइट लग रही है। फिटेड जीन्स अच्छी होती लेकिन इतनी भी नहीं कि आप इतना कंफर्टेबल फील ना करो, तो ये ऐसी लग रही है, जिस रीज़न से यार मैं तो बोलती हूँ अनो फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइस, ये जीन्स भी कॉटी की है, मुझे लग रहा है 5 जीन्स है मैंने कॉटी की मंगवाई है। ये भी 450 रुपये की जीन्स है, बूट लेग मिड राइज डार्क ब्लू जीन्स है। 1200 लोगों ने इसको गुड रेटिंग दिया, ये है परफेक्ट, ऊपर से पहले पूरा टाइट स्किनी फिट एंड देन बूट कट। अब इसको देख के भी लग रहा है ब्लू कलर की जीन्स है, ठीक है, और ये एग्जैक्टली सेम वैसी ही आई है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसके साथ तो हील्स पहननी पड़ेंगी। देखो जो यहाँ पे ये कुछ कट कुट से बने हुए हैं, ये वैसी ही जीन्स है। एंड अब देखो ये पूरे यहाँ से टाइट आई है, देन ये बूट कट वाला चीज़ आएगा, ये प्रॉपर लगेगा भी पहन के कि हाँ भाई बूट कट जीन्स है, आपको इसके लुक से ही लगेगा। पहले वाली तो मुझे वो बूट कट लगी नहीं रही, थोड़ा बदबू तो पूछो मत भाई, ये भी तो कॉटन है, कोई भी स्मेल नहीं, सिर्फ डेनिम की स्मेल होती है ना, बस वही इसमें स्मेल आ रही है। और स्ट्रेचेबल, बहुत थोड़ा स्ट्रेचेबल वाला फैब्रिक है इसका। एंड अगेन मैंने साइज़ इसका 28 ही मंगवाया है, सी यहाँ आप साइज़ देख सकते हो इसका 28 साइज़ है। और ये जीन्स है, बहुत लॉन्ग है, ठीक लग रही है मुझे फैब्रिक वाइज एंड रेट वाइज। फटाफट से वियर करके आती हूँ गाइस, ये परफेक्ट बूट कट जीन्स है, उसका पूरा लुक देखो। और ये ना मुझे बहुत लंबी है, मैंने आपको पहले बोल ही दिया था क्या, पैरों से देखो ये कितनी ज़्यादा नीचे है कि अगर मैं ऐसे खड़ी भी हो जाऊँगी ना ऐसे उचक के तो भी ये बहुत नीचे आ रही है, देख सकते हो प्रॉपर बूट कट ये जीन्स है, ठीक है। अब जो मुझे एक इशू इसमें फील हुआ वो ये कि ये ना मुझे वेस्ट से टाइट है, देखो पीछे तो ऐसा स्पेस आता ही है हर बार मेरी, यहाँ से तो ढीली होती है, लेकिन जब मैं ऐसे बंद कर रही थी ना तो मैंने बहुत कस के बंद किया और ज़िप भी बहुत कस के लगाई है। अनज़िप की क्वालिटी थोड़ी खड़खड़ थी, बहुत स्मूथ नहीं थी। पूरा आप इसका फिट देख सकते हो, यहाँ से तो पूरा स्किनी फिट है, बहुत स्मार्ट लग रही है, प्रॉपर बूट कट जीन्स बोलते हैं वो है, लेकिन मुझे ना
ऐसा लग रहा है कि हल्की टाइट है और मैं इस फैब्रिक पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि अगर मैं बैठूँ ये फटफट ना आ जाए, क्योंकि मुझे इस एरिया से, अपनी थाई एरिया से बहुत ज़्यादा टाइट आ रही है। ये 28 साइज़ है, अगर मैं इस 30 पे जाऊँगी तो आई गेस मुझे यहाँ से भी परफेक्ट आएगी, यहाँ से भी परफेक्ट लूज़ मुझे मिल जाएगी और ये लुक तो रहेगा ही रहेगा। आप पूरा लुक देख सकते हो, बैक से पूरा जीन्स का लुक देख सकते हो कि कैसे है, ठीक है। साइड लुक भी आप देख सकते हो कैसा आ रहा है, मुझे ठीक लग रही है। कलर भी ये वाला ब्लू कलर तो सब चीज़ों पे चला ही जाता है, एंड प्राइस से मैं कंपेयर करूँ तो बहुत सही है, बस मैं साइज़ अप कर लूँगी। थम्स अप है, नेक्स्ट दिखाती हूँ। बहुत हार्ड तू लटका के झटका के समझ गए कौन सी जीन्स है ये। ब्लैक कलर की पेंसिल फिट की जीन्स है ये, 400 रुपये की, एंड ओ माई गॉड 176,730 लोगों ने इसको गुड रेटिंग दी है। भाई 400 रुपये की जीन्स है, इसमें 11 कलर्स है, 11 पर्पल, ब्लू, वाइट, ग्रे, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, लेकिन मैंने तो ब्लैक पे ही रुकना था क्योंकि ब्लैक बेसिक है और बेसिक ब्लैक पेंसिल फिट जीन्स तो हर एक लड़की को चाहिए होती है। ये सिर्फ 400 रुपये की है यार, कैसे, क्या बात कर रहे हो, मुझे लगता है। और फैब्रिक, ट्रस्ट मी, ये इतना स्मूथ है ना, और ये बिल्कुल जेट ब्लैक फैब्रिक है, आपको दिखे और मैं आपको दिखाऊँ, यार ये कितनी परफेक्ट जीन्स लग रही है। एंड अगेन पहले मैं आपको साइज़ दिखा दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसका साइज़ 28 है, इधर भी देख सकते हो कि इसका साइज़ 28 है। ये जीन्स है और यार आप यहाँ से देखो ये कितनी ज़्यादा स्ट्रेचेबल जीन्स है, क्या लग रही है यार, जेट ब्लैक बिल्कुल। ज़ारा H&M फेल लग रहा है मुझे, क्योंकि ज़ारा H&M में ना इतनी जेट ब्लैक जीन्स नहीं आती जितनी जेट ब्लैक ये है। पहन के देखती हूँ कैसी लग रही है। गाइस देखो ये कितना स्ट्रेचेबल इसका फैब्रिक है, ठीक है, देखो बहुत सही लग रही है। बस इसका फिट लुक अच्छा हो तो पहन के मज़ा आ जाएगा, और मुझे लग रहा है हल्की सी ढीली है मुझे रहेगी, लेकिन देखते हैं। अगर ये ढीली आई इन केस मुझे, तो मैं 26 साइज पक्का लेने वाली हूँ, 400 रुपये की है, फटाफट से वियर करके आती हूँ। गाइज मैंने सोचा था ये हमारी बहुत हार्ड वाली जीन्स होने वाली है, लेकिन ये लो वेस्ट जीन्स है यार, ये हाई वेस्ट जीन्स ही नहीं है। एंड मुझे लो वेस्ट जीन्स अब बिल्कुल नहीं पसंद, वो ऊँची ऊँची वाली ही पसंद आती है, मतलब ये मिड वेस्ट कह सकते हो। और इसका फैब्रिक स्मूथ है, और क्या कहते हैं, इसका पॉकेट की बात की जाए तो अच्छी खासी लॉन्ग इसकी पॉकेट है, एंड फैब्रिक सही है, कलर जेट ब्लैक है, बैक से भी आप देख सकते हो क्या पूरा इसका लुक एंड फिट है। लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही क्योंकि बहुत लो वेस्ट जीन्स है, एंड मैं पर्सनली लो वेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, तो इसलिए मुझे ये उतनी अच्छी लगी नहीं रही। अगर ये हाई वेस्टेड होती ना मज़ा आ जाता, मैं बोलती कि आँख बंद करके ले लो। लेकिन जिन लोग को लो वेस्ट हाई वेस्ट वाली दिक्कत नहीं है और उनको एक परफेक्ट ब्लैक स्किनी जीन्स चाहिए बजट में, तो आप ये ले सकते हो। फैब्रिक भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, और लुक पूरा फिट आप देख सकते हो, लेंथ भी आप देख सकते हो कहाँ तक की इसकी लेंथ है, फिर ठीक लग रही है। लेकिन अगर मैं पर्सनली बोलूँ, जितनी हमारी सारी जीन्स थी वो हाई वेस्टेड थी, चलो एक अच्छा हुआ है कि एक लो वेस्ट जीन्स पे आ गए तो आपको आइडिया लग गया कि लो वेस्ट जीन्स कैसी लगेगी। तो बस ये थी मेरी सारी जीन्स, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो गाइज दैट्स इट, ये थी मेरी जीन्स कार्गो, और मेरा तो एक्सपीरियंस इस बार बहुत अच्छा रहा। आई होप आपको भी आपकी वो फेवरेट वाली जीन्स मिली गई होगी, जिसको काफ़ी लोग को कार्गो देखते थे, काफ़ी लोग को लूज फिट चाहिए थी, काफ़ी लोग को स्किनी फिट चाहिए थी। मैंने बूट कट जीन्स, मैंने हर एक वेराइटी बेसिक कलर्स जो जो होते हैं वो सब मैंने ट्राई किया, आपको ब्लैक, ग्रे, वाइट, ब्लू, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, सारे कलर आपको इस हॉल में देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्टाइल और लुक्स देखने को आपको इसमें मिलेंगे। आई होप आपने मेरी चॉइस से रिलेट किया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि 400, 500, 550, 600, 700 वाली जीन्स कैसे रहती है, और 1350 वाली जीन्स, 1100 वाली जीन्स कैसी रहती है, पक्का आइडिया तो हुआ ही होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में भर भर के कमेंट ज़रूर करना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने थोड़ा बहुत भी आपने नॉलेज गेन किया होगा, या फिर इतनी सी भी आपको कुछ मेरी वीडियो पसंद नहीं होगी, तो प्लीज़ भर भर के कमेंट ज़रूर करना, और मुझे बताना आपको कौन सी जीन्स अच्छी लगी, या इसमें से आपने कौन सी विशलिस्ट कर रखी थी, अब आप उसको ऑर्डर करोगे, क्योंकि काफ़ी लोग ये कमेंट भी करते हैं कि अरे हमने तो ये विशलिस्ट किया था, फाइनली हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं, हमें आपका रिव्यू मिल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ ऐसे आपके कमेंट्स पढ़ के। बाकी कमेंट्स में बताना कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। वैसे तो मैंने बहुत कुछ खुद से पहले ही आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के प्लान किया हुआ है, लेकिन फिर भी और कमेंट्स कर देना, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाता है आपके कमेंट्स से। बस ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए, भर भर के प्यार देते रहिए। मैं यहाँ आपकी यीमा आशी चहीती बैठी है आप सबका प्यार बटोरने के लिए। बहुत ही जल्द मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके बाय बाय, लव या, ऑलमोस्ट खाऊंगी, भूख लग रही है।